हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया के लिमिटेड, उसके शेयर और उसके लेटेस्ट टारगेट के बारे में। दोस्तों, अभी थोड़ा सा एंट्री पॉइंट टिकर टेप में, आपका टिकर टेप के हिसाब से RSI थोड़ा ओवरबोर्ड जोन में है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा दोस्तों, लेकिन ये शानदार रिजल्ट देने वाला है। जो भी इन्वेस्टर है और जो फ्रेश बाई करना है, 200 बहुत जल्द आपको इसका टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपका PE देख सकते हो 28 का है, सेक्टर PE 37 का है, और ये अपना और ऊपर जाने का दम है दोस्तों, और ज़्यादा इंटरनेशनल डिमांड है। 76% एक्सपर्ट अभी भी बुलिश है, तो 200 आपका बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट है और ये बहुत जल्द अचीव होता रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन से RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपका ओवरबॉट जोन से स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में जा रहा है। आप देख सकते हो लॉन्ग प्रोडक्ट सच एज थर्मोकेमिकल और थर्मो प्रोडक्ट और कॉयल मॉयल सब कुछ बनाता है सेल, और देख सकते हो जो रेवेन्यू है 62.76 करोड़ से लेके आपका बड़ा है। 10% प्रोमोटर ने डिक्रीज़ किया है, लेकिन घबराने का कुछ नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड ने 4.16% बाई किया है और FII ने भर भर के बाई किया है सेल के शेयर, और लो प्लेस्ट प्रोमोटर होल्डिंग है। ROCE 8% है, ROE 6% है, और फेस वैल्यू देख सकते हो 10 है, और मार्केट कैप 59,000 करोड़ के आसपास है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जो इन्वेस्टर है और जो नए इन्वेस्टर बनने वाले हैं, दोनों के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। बाई ऑन डिप्स कर सकते हो, थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद ये पहले तो अपना ओवरबोर्ड जोन में जाएगा, जैसे कि आपका 150 के आसपास जाएगा, 150 के 150 से 60, उसके बाद कंसोलिडेट होके ये थोड़ा सा नीचे आएगा 150 के आसपास, तब एक एंट्री लेना, और ₹200 मिनिमम टारगेट रहेगा दोस्तों, जो मई के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। प्रोमोटर अपना देखो, होल्डिंग देखो, और सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक